कल इस मोहतरमा को रिश्ते के लिए लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। अरे उदास हो रही है बेचारी। दीदी इंस्टेंट पैनल चाहिए तो ये लो। क्या ये बल्ब क्यों दिया? मैंने सोचा कोई क्रीम देगी। रुको जरा, सबर करो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में। अरे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। ये क्या था, कुछ समझ में आया आप लोगों को? यार मैं तो सोचा ये कोई क्रीम व्रीम देगी, तो इसने तो यार सीएफएल बल्ब दे दिया। और ये कौन सा लॉजिक है यार, सीएफएल बल्ब से कोई इतना गोरा दिखता है? यार फिर तो मेरी शादी होगी, मैं भी सीएफएल बल्ब जला के और अपने ससुराल वालों को दिखाऊंगा। कमाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काले जो हैं ये क्यों चिल्ला रहे हैं इतना, तो ये जो एड है उन्होंने वहां पर देखी, इनके देश में भी एड चली थी, तो ये एड देखने के बाद ये लोग पागल हो गए हैं। ये लोगों में भी उम्मीद आ गई कि हम लोग भी अब गोरे दिखेंगे, क्योंकि ये तो वहां पर इतने काले होते हैं, तो इनको एक उम्मीद जाग गई कि हम भी इतने गोरे लगेंगे। कमाल है यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे कि एक ये जो महाशय हैं ये एक सलून में जाते हैं अपने हेयर कट करवाने। अब उनके साथ क्या होता है देखिए, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। है ये क्या हुआ बे? ये है आम जिंदगी। अब ये चचा फिर क्यों आ गया ऐसी सैलून में, जब इस सैलून वाले ने इसके बाल बिगाड़े थे? फिर इसने छींक दिया, ऊत तेरी, फिर से बाल आड़ उड़ा दिए। हाँ चचा को तो होश ही नहीं है, वो तो अपने में ही लगा हुआ है। ये पीछे आके दूसरा कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार, कमाल है। ऐसा भी होता है क्या? कुछ भी, कुछ भी। यार अगर मैं किसी सलून वाले के पास जाऊं और अगर वो मेरे बाल ऐसे खराब कर दे या मेरी बियर्ड खराब कर दे, तो क्या दोबारा हम लोग उसके पास जाएंगे या मैं जाना चाहूंगा? कभी नहीं। वो चचा फिर सेकेंड टाइम उसी के पास आया बाल कटाने। कमाल है यार, मतलब डबल बेइज्जती। आगे देखिए, एक ये मोहतरमा है और उनका बच्चा खो गया था, तो पुलिस वालों ने उनको पुलिस स्टेशन बुलाया अपने बच्चे की शिनाख्त करने के लिए। अब वो एक पोस्टर से उस बच्चे का फेस मैच करते हैं, देखिए आगे क्या होता है वीडियो में। मिल गया मेरा बेटा, मिल गया। चलो बेटा वेट, ड्रामा बाद में, पहले वेरिफिकेशन। गाल पे तिल, ओके। लेफ्ट साइड पार्टिंग, ओके। दो आंखें, बीच में नाक, खरगोश दांत, ओके ओके। मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया। अब मैं बच्चे को ले जा रही हूँ। एक और ले बेटा। अरे ये कौन सा लॉजिक है यार, मतलब छोटे बच्चे की कोई इज्जत ही नहीं है। वो बिंगो का जो ये जो बिंगो की स्टिक आती है उसको मैच कर रहे हैं उसके साथ, फोटो के साथ। कमाल है यार। इसका मतलब ये है कि अगर बिंगो की स्टिक मैच नहीं हुई फोटो के साथ, तो इसको इसका बच्चा इसके साथ जाने नहीं देंगे, मतलब इसको इसका बच्चा नहीं मिलेगा, है ना? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे वीडियो में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो देखिए। चलो फटाफट नेक्स्ट नाम बोलो। बाल मुर्गन नागराजन, पुल्ली राजू, पुट्टा मुर्गन, चिंचिन कप्पे, चिन्ना मुर्गन, बालसामी शेखरन, पुट्टपर्ति, लोक कल्लू, तुम्हाल लवांग, सर्वपल्ली वेंकट। ये चचा सोच रहा है कि ये इसका नाम है कि ये पूरे मोहल्ले का नाम है। अब चचा को तो किडनी में हार्ट अटैक आ गया। चिन्न प्रसाद राजा कुलशेखर मंगलम कीट कीटी देवा। ओ मिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। बाल बाला बाला, इतना स्मूथ। नहीं मतलब क्या था ये, मजाक हो रहा है क्या यार? वो बंदा पेन से लिखते आता है, लिखते आता है, लिखते आता है, नाम साइन करता है, नाम साइन करता है, लिखते आता है, ये क्या था? कुछ समझ में ही नहीं आया। ये पेन की एड हो रही है, पेपर की वेस्टिंग हो रही है। गोप
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिए, एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे क्या होता है। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। कहाँ ऐसा कहाँ पे होता है भाई, हम मॉल जा रहे हैं, मॉल में अचानक शॉपिंग करते करते काउंटर पे आपको दांत में दर्द दे रहे हैं और सामने लेडी ऐसे करके चेंज हो जाती है और आपसे पूछती है आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। खून, ओ तेरी लेडी सुपरमैन। मसूड़ों से खून, पायरिया है? ये कहाँ ऊपर से टपक पड़ी यार, अचानक से ऊपर से नीचे कूद गई, क्या इसका वेट कर रही थी क्या? ऊपर से कूदूंगी आएगा तो। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम? हाँ, नए नीम युक्त कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है नमक और। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जो ये मैंने आपको दिखाया सब, इसमें थोड़ा आपको फन या थोड़ा मजा आया ही होगा। इसको वीडियो को मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा आपको हंसा सकूं, किसी को हर्ट करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। तो दोस्तों मैं ऐसे ही अच्छे से वीडियोस लाते रहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी अच्छे वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही और अच्छे वीडियो लाते रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।